हाय फ्रेंड्स, दिस इज विजय कौशिक और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वीके रियल टेक के अंदर। दोस्तों, आज का टॉपिक है श्रिंक वॉल्यूम। दोस्तों, जब हम ड्राइव के अंदर पार्टीशन करते हैं तो कई बार जब हम श्रिंक वॉल्यूम करते हैं तो स्पेस जीरो दिखाता है, जबकि उस ड्राइव के अंदर काफ़ी स्पेस होता है और हम उस एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव बनाना चाहते हैं, और जब हम श्रिंक वॉल्यूम करते हैं तो 0 MB स्पेस अवेलेबल दिखाता है। तो दोस्तों, चलिए अब इस एरर को हम सॉल्ट आउट करते हैं 3 स्टेप के थ्रू। और दोस्तों, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम 3 स्टेप्स के थ्रू अपने एरर को सॉल्ट आउट करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जाएंगे कंप्यूटर पर मैनेज, और दोस्तों डिस्क मैनेज, और दोस्तों जो हमारे सी वॉल्यूम है इस पर राइट क्लिक करेंगे और श्रिंक वॉल्यूम। मैं इसी में से अपनी वॉल्यूम नहीं बनाना चाहता हूँ, बट इसमें एक एरर आ रहा है, 0 MB शो कर रहा है जबकि इसमें काफ़ी स्पेस बाकी है। तो चलिए दोस्तों, 3 स्टेप्स में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम कमांड खोलेंगे, CMD लिखेंगे और दोस्तों उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन, और दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे पावर CFG/HOFF, और दोस्तों एंटर कर देंगे। और दोस्तों अब हम इसको विंडो को क्लोज कर देंगे और हम सेकंड ऑप्शन पर चलेंगे। तो दोस्तों विंडो क्लोज कर दी है और हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पर। तो सेकंड ऑप्शन के लिए दोस्तों हम स्टार्ट पर जाएंगे और सर्च करेंगे व्यू एडवांस सेटिंग्स। ये आ गई है दोस्तों, और यहाँ पर हम एडवांस पर जाएंगे। एडवांस में सेटिंग, सेटिंग के अंदर फिर से हम दोस्तों एडवांस के अंदर ही जाएंगे और अब दोस्तों चेंज पर क्लिक करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक को हटा देंगे और नो पेज फाइल पर क्लिक कर ओके कर देंगे। ओके, देन दोस्तों दोबारा से सिस्टम पार्टीशन के अंदर जाएंगे, सी ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। और दोस्तों अब ओके कर देंगे और हमसे रिस्टार्ट मांगेगा तो हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देंगे। रिस्टार्ट नाउ। ओके दोस्तों, अब हम रिस्टार्ट करके वापस आ गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारा जो PC है वो दोबारा से वॉल्यूम श्रिंक करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों जाएंगे फिर से स्टार्टिंग में कंप्यूटर पर मैनेज, और दोस्तों सेलेक्ट ड्राइव, राइट क्लिक, श्रिंक वॉल्यूम। और ये देखिए दोस्तों, हमारी ड्राइव जो है सक्सेसफुली हो गई, इसने काफ़ी स्पेस दिखा दिया हमें, जो हमें पहले 0 MB स्पेस दिखा रहा था। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।